अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे तो सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस जिसने मुझे कमेंट्स किए हैं और आ, मेरी सेहत के लिए दुआ की है आप सब लोगों का बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक ये ईद का दिन है तो ईद के दिन से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था इससे पहले जो भी मैंने प्रपेशन किया वो मैंने, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की तो यहाँ पे अभी ये सामने हमारे जो है ना फ्लावर्स वगैरह लगे होते हैं तो यहाँ जैसे ही हम इस विंडो से देखते हैं ना बाहर तो बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पे सुबह का टाइम है अभी तकरीबन छः बजे होंगे तो जब मैं आई थी सात तकरीबन साढ़े छः का टाइम था ये मैंने क्लिप लिया था इससे पहले मैंने ये फिर मैंने इसके बाद टेबल रेडी किया है सेट किया है तो जैसा मैंने रेडी नहीं हुई थी मैं सोच रही थी पहले रेडी हो जो लेकिन बच्चों को शावर देना था करवाना था इसलिए मैंने कहा कि बाद में मैं शावर करूँगी ये मैंने फ़्लावर मंगवाए थे ट्यूलिप के ना टीमों से मंगवाए थे तो वो पड़े हुए थे उनमें मैंने एक और फ्लावर ऐड किए क्योंकि कि थोड़े कम लग रहे थे हल्के से मतलब बिखरे हुए थे तो वो मैंने ऐड करके न तो लगा दिया अभी वैसे भी हमारा जो किचन का पूरा नीचे वाला हिस्सा ना वो वाइट वाइट हो गया तो इसलिए उसके साथ ज़्यादा अच्छे लग रहे थे वाइट यहाँ पर मैंने एक ब्लैंकेट भी ऑर्डर किया हुआ था तो ये भी बहुत अच्छा है और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल ही मैंने टीमो से ऑर्डर किया था और शीन पे इसकी ज़्यादा प्राइस थी टीमो पे मुझे मिला था वन थाउजेंड था। फाइव हंड्रेड था का मतलब डेढ़ हज़ार यन में मुझे मिला था और बहुत अच्छा है ना तो यहाँ पे अभी मैंने जो फ्लावर मंगवाए थे ना एक फ्लावर जो ये वाला मंगवाया था मैंने रमज़ान में शो भी किया था वीडियो में तो ये मैंने यहाँ पर सेट किया है और इसके बाद मैंने कुशन के कवर भी बहुत पहले के मैंने मंगवाए थे ये भी मैंने टीमों से मंगवाए थे और क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छे हैं तो ये भी मैंने आज इस पर चढ़ा दिए कवर कर, कर दिए क्योंकि जब से मेरा मतलब सर्जरी हुई इसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया प्रॉपरली तो आज ही मैंने ये ईद वाले दिन ही जो है जो थोड़ा बहुत काम किया है वो किया है अभी मैं किचन में आ गई थी मैंने गोश्त वगैरह रात को साफ़ करके रख दिया था रात को तकरीबन हम तीन बजे सोए थे मैंने कुकिंग वगैरह जो करनी थी ना थोड़ी बहुत वो भी की थी और वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की जैसे मैं पहले प्रिपरेशन की वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ लेकिन इस बार मैंने नहीं की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी मैं और फिर कैमरे के साथ जब आप वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं काम भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है वैसे भी हमें तीन बज गए थे मैंने मीठा बना के रखा और जैसे कोरमा वगैरह बनता है इसका बिरयानी का वो बना के रखा इसके बाद मैंने गोश्त वगैरह साफ़ किया कबाब बना के रखे तो काफ़ी टाइम लग गया था तीन बजे मैं जाके रेडी थी और छः बजे दोबारा सुबह उठ के थे क्योंकि सुबह नमाज के लिए जाना होता है हस्बैंड ने तो फिर क्योंकि ईद छोटी ईद पे, पे पहले से भी दबाव बोलनी होती है बकरा ईद पे तो चले कर्बानी के बाद होती है तो वो सारा करना होता है इसके बाद छः बजे मैं उठ गई थी तो अभी मैं यहाँ पे अनियन वगैरह काट रही हूँ तो मैंने बनाई थी मटन कढ़ाई और साथ में बिरयानी और कबाब बनाए थे कबाब हांडी जो आती है वो बनाई थी और मीठे मैंने बनाए थे दो बनाए थे एक मैंने सवाइयाँ बनाई थी और और सवइयों की खीर बनाई थी और एक मैंने कस्टर्ड बनाया था इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम था कि हम ना रस मलाई बनाएँगे तो रस मलाई जो है ना वो मिली नहीं ना दो दफ़ा मेरे हस्बैंड ने पता किया डिफरेंट शॉप से मस्जिद गए थे तो वो से नहीं मिली तो फिर हमने खुद भी एक्सपायरिमेंट किया रात में लेकिन वो अच्छी नहीं बन रही थी ना तो मैंने सोचा नहीं ये एक्सपायरिमेंट जो है ना एंड टाइम पे करना नहीं चाहिए पहले करना चाहिए मैं जो है वैसे बीमार थी तो मैं नहीं कर सकी तो वैसे मैं बना लेती होती हूँ लेकिन रात को बन ही नहीं रही थी ईद वाले दिन मैंने सोचा कि बाद में करेंगे तो अभी यहाँ पर मैं कढ़ाई जो है ना उसमें मसाला कढ़ाई मसाला डाला है गोश्त मैंने बॉयल कर लिया था कुकर में मैंने लगाया है तो मैंने जैसे बोला कि मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की मैंने छोटे छोटे से क्लिप लिए थे जस्ट ब्लॉग के लिए ना तो प्रॉपर मैंने कोई भी चीज़ जो है शेयर नहीं की यहाँ पे तो वैसे भी व्लॉग भी लंबा हो जाना था और दूसरे नंबर पे मैं ज़्यादा कर भी नहीं सकती थी आपको पता है कैमरा लगा के आप वीडियो जब रिकॉर्ड करते पूरी प्रॉपर करनी पड़ती है तो फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है तो अभी यहाँ पर मैंने कबाब जो रात को बनाए थे ना वो भी मैंने आ, मसाले में ऐड कर दिए हैं तो उनको मैं थोड़ा सा पाँच मिनट के लिए ना कुकर में लगा दूँगी ताकि अनियन वग़ैरह जो है वो भी अच्छे से गल जाएगा और कबाब भी बहुत अच्छे से ना बन जाएंगे तो यहाँ पे जोइला जो है वो कर रही थी सैलड की तैयारी कर रही थी बना रही थी तो मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप ले लिया और इसके बाद जो है जितनी भी मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं वो यूजुअली सभी घरों में बनती हैं और पाकिस्तानी खाने होते ही ऐसे हैं कि बिरयानी बनती है कौरमा बनता है या कढ़ाई बनती है तो ये सारी फरमाइश पे ही बनी थी तो मैंने वही रिपीट हुई हैं चीज़ें जो बनी हुई थी नहीं मैंने कोई ख़ास कोई चीज़ बनाई नहीं है तो मैंने इसलिए शेयर भी नहीं की और मेरी कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती और बहुत लॉन्ग टाइम खड़ी होती तो मेरे से जो बन सका वो मैंने किया इसके बाद मैंने यहाँ पर कबाब निकाल लिए थे उसमें से कुकर में से और अभी मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है इसमें देशकी में और इसके बाद मैंने इसमें बटर भी थोड़ा ऐड किया है ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा योगर्ट ऐड करूँगी और ये कबाब बहुत अच्छे बनते हैं अगर आप इसमें क्रीम भी ऐड करें तो और भी जो आ, इसका टेक्चर है ना मसाले का और बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रीम मैं लेकर आई थी और वो मैं रात को एक ही पैकेट लेकर आई थी और मेरे माइंड में ही नहीं रहा और मैंने वो रात को सारी क्रीम जो है ना वो कस्टर्ड में ऐड कर दी तो सुबह जब मुझे जब बनाने लगी तो मैंने कहा वो अभी तो ऑप्शन भी नहीं है मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं है कि मुझे ला दें वो मुस्के हुए थे तो मैंने सोचा चलें कोई बात नहीं आप ऐसे ही बनेंगे यहाँ पे कढ़ाई रेडी हो चुकी थी मैंने इस पर डाला है कोरिएंडर डाला है ग्रीन चिली और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर अभी ये कबाब निकालूंगी और मैंने वीडियो जैसे टेबल पे तो वैसे भी खाना नहीं लगाया था नीचे लगाया था और सभी बैठे हुए थे और खाना काफ़ी लेट हो चुका था तकरीबन थ्रीओ कलाक बच चुके थे दिन के तो मैंने क्लिप जो है ना रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जाहिर सी बात है सभी बैठे हुए थे खाना तो किसी ने वीडियो में आना नहीं था तो इस वजह से मैंने कोई नहीं रिकॉर्ड किया और यहाँ पे मैं बिरयानी डाल रही थी और बिरयानी भी मेरी बहुत अच्छी बनी थी और जैसे पहले मैं ऑयल लगाती हूँ बिरयानी जैसे बनाते हैं ना तो नीचे जैसे उसको ग्रीस करते हैं तो इस दफ़ा मैंने बटर लगाया तो रियली में अमेजिंग रहा ना बटर की वजह से बिल्कुल भी नीचे राइस नहीं चिपके बिल्कुल हांडी जो है ना साफ थी नीचे से यहाँ पे अभी मैं जेली जो है वो काट रही कस्टर्ड में मिक्स करने के लिए और ये फर्स्ट टाइम जेली आई है पाकिस्तान से मेरा भाई आया है तो वो लेकर आया था तो इस वजह से मैंने सोचा चलिए इस दफ़ा जेली के साथ बनाते हैं वैसे जेली यहाँ पे भी मिल जाती है लेकिन जो खुद बनाते हैं वो नहीं मिलती तो फिर मैंने ग्रीन और मिक्स फ्रूट वाली जेली जो है ना वो की थी और वो मैंने मिक्स किया है और मैंने इसको भी बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स करके कस्टर्ड में और फिर मैंने रख दिया था और इसके बाद क्योंकि कोकोनट वग़ैरह और भी काफ़ी चीज़ें थी जो कि मैं डाल सकती थी फिलहाल क्योंकि किचन का काम अभी मैंने किचन में बर्तन और जितने भी नट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल भी सेटअप नहीं किए सारे बर्तन और कुछ चीज़ें ऊपर पड़ी हुई हैं तो वो ढूंढनी पड़ती हैं तो बेसिक से बर्तन मैं नीचे किचन में लेकर आई थी जो कि अभी ईद पर यूज़ हो जाएँ तो यहाँ पर ये मैंने खीर बनाई थी ये मैंने डन करके रात को रखी थी और कस्टर्ड भी रेडी हो गया है तो अगर आप लोगों को व्लाग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लाग में मैं ट्राई करूँगी कि ब्लॉग जो है एवरी वीक दो वीक दो में डालूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़